ओशो एक निमंत्रण है, एक अद्भुत निमंत्रण है, एक अनूठा निमंत्रण। 21 मार्च आप सबको नाम पधारे। इस आंदोलन में सामूहिक ऊर्जा का बहुत महत्व है। हम सबकी एक ही इच्छा है कि हम कम्यून में अंदर जाएं, ओशो के समाधि में बैठ के भी ध्यान करें। कितने साल बीत गए हैं, ओशो के ऐसे क्षण नहीं आए जहां 2-3 हजार लोग मरून रोग पहने हुए पुणे में उसी उमंग से, उसी तरंग से घूमे फिरे हों, मिले हों और अपने आश्रम के आसपास की आबोहवा को जीवंत किया। इसलिए सभी मिलकर इकट्ठे होकर एक ऊर्जा का बवाल पैदा कर दें। He talked about the importance of festivals. When the festival is there, then people get this feeling of okay, these are the days, let's go there. और इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि उनके ही आश्रम से उनकी तस्वीर उठा के फेंक दी जाती है और वहाँ पर बैठ के लोग, कुछ ऐसे लोग जिनकी आत्मा मर गई है, वो ताली बजाते हैं। He has been photographed the most and his books always have a presence. His books have a soul. And nowadays what Osho International is doing is they have made Osho into an author, not as a mystic. Now the books come where Osho is just here, a small little author. ऐसे षड्यंत्र रचे गए हैं कि जिसमें धीरे धीरे करके अब तो यह क्लियर है कि वो ओशो की देशना को ही कट कर देना चाहते हैं। सोचने वाली बात है कि पिछले 25-30 सालों से यही ट्रस्टी बैठे, ये क्या हुआ? 30 साल में दुनिया बदल गई लेकिन ट्रस्टी नहीं बदले हैं। तो OIF in Pune is not celebrating any festival related to Osho. Osho International keeps on harassing us. They keep on taking our social media pages out, sends us the notice. Every time my Facebook page goes out, every time our YouTube channel goes out, not only mine but other centers also. Anywhere we are doing Osho's work, they keep on harassing us. And this is also a big concern to all Osho lovers. 20 साल से उनकी योजनाएं बन रही हैं कि हम कैसे बने बनाए आश्रम के हिस्से को बेच डालें और पैसा विदेश चला जाए, क्योंकि ये मामला भी पिछले 20 सालों से चल रहा है और अब हुआ ये कि पानी सर के ऊपर निकल गया है। आश्रम को बेचने का अभियान जो 2010, 11, 12 के आसपास शुरू किया था इन लोगों ने, धीरे धीरे शुरू किया, अब उसकी परिणति होगी कि आश्रम का वो मेन हिस्सा बाशों का, जो ओशो ने खुद डिज़ाइन किया और जो पूरे आश्रम का एक सेंटर पॉइंट है, वो ही बेचने लगे हैं उसको। और क्या कारण क्या है? 3 करोड़ का छोटा सा लॉस। आप अपने को स्वामी नहीं कर सकते, उनके संन्यास को बंद कर दिया गया है, आप अपने को स्वामी नहीं कर सकते हैं, माँ नहीं कर सकते हैं, अपने गुरु के बारे में कोई भजन वहाँ नहीं गा सकते हैं, ओशो का इनलाइटमेंट डे नहीं मना सकते हैं, वहाँ ओशो का बर्थडे नहीं मना सकते हैं, आप गुरु पूर्णिमा नहीं मना सकते हैं। अभी तक किसी बुद्ध पुरुष ने यह नहीं किया कि अपनी समाधि उन्होंने खुद बनवाई है और ये तय करके गए कि मेरे ऐशेज को कहाँ रखना है। वो जो बेडरूम चांगसू का बना, उसमें सोए हैं वो एक पूरा, और फिर उसके बाद बता के गए हैं कि वहाँ उनके ऐशेज रखी जाएंगी और ये समाधि ही होगा। पुराने वीडियोज में हम देखें और अचानक हम इनकार कर दें कि अब ये समाधि नहीं है। ये माला ओशो द्वारा, गुरु द्वारा दी गई एक शिष्य को एक अनुपम भेंट है। ये माला एक बंधन नहीं है अपितु एक परम स्वतंत्रता है और ये मेरा मौलिक अधिकार भी है। ये गुरु और शिष्य के प्रेम संबंध, भाव संबंध के ऊपर गुरु के हस्ताक्षर के रूप में मेरे पास है, तो मुझे ये पहनकर अंदर जाने की इजाजत दी जाए। ओशो ने तो कहा था कि पूरे कोरेगांव पार्क को खरीद लो ताकि जो भविष्य में मेरे शिष्य आएंगे, मेरे प्रेमी आएंगे, उनको रहने का स्थान मिले। 21 मार्च 2023 एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, जब शायद पहली बार पूरे भारतवर्ष से, अलग अलग राज्यों से इतनी संख्या में ओशो सन्यासी, ओशो मित्र, ओशो ध्यान शिविर संचालक एक साथ एक जगह इकट्ठे होकर ध्यान करेंगे, उत्सव मनाएंगे, सत्संग में डूबेंगे। हमारा प्रोटेस्ट बहुत ही सेलिब्रेट वे में होगा, उत्सवपूर्ण होगा, ताकि पूरी दुनिया में एक संदेश जाए कि हम यहाँ ध्यान करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए आए हैं और जो मित्र इसमें बाधा पहुंचा रहे हैं उनके बारे में पूरी दुनिया को जानकारी मिले। तो मैं आप सबको आह्वान करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ और हम मिलकर
इस उत्सव को मनाएंगे। अगर भीतर मनाने का अवसर मिला तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं मिला तो हम कोरेगांव पार्क की गलियों में ओशो की अनुगूंज पैदा करेंगे। हम सब का इस ऊर्जा क्षेत्र में अपना अपना योगदान होगा और हमारा यही प्रयत्न हो कि 21 मार्च के उत्सव को हम आश्रम के भीतर मना सकें, ऐसा भाव लेकर के आप पूना जरूर आए। तो आने वाली 21 मार्च को पूरी प्राण ऊर्जा के साथ ओशो कम्युनिटी पूना में खड़े हो। We will celebrate in the Koregaon Park in Pune this Osho Enlightenment celebration. Welcome you all to come and stand with us so that we can save Osho's legacy and we can have our commune 17 Koregaon Park back where we can all sit in Samadhi together and enjoy his energy.